कुछ टाइम से मेरे जो कैमरे की बैटरी है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। 25-30 मिनट में ही इसका बैटरी डाउन हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि इसका नया बैटरी लेने की ज़रूरत है। और जब मैंने इसका ऑफिशियल बैटरी का प्राइस चेक किया तो 3100 का मिल रहा था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। फिर मुझे अमेजोन पे डिजीटेक ब्रांड दिखा, जो कि 2350 रुपीज़ में दो बैटरी प्लस एक चार्जर दे रहा था, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे आ गई है हमारी बैटरी, तो जल्दी से इसको खोल के देख लेते हैं। डिजीटेक जो ब्रांड है वो थर्ड पार्टी बैटरीज बनाता है कैमरे का, और कुछ एसेसरीज बनाता है कैमरे से रिलेटेड। ये रात को इसका बॉक्स बहुत हार्ड प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया। कैनन तो अपने महंगे लेंस में भी ऐसे बॉक्स के साथ पैकिंग नहीं देता है, पर बैटरी के परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसा है। बॉक्स में आपको दो 1250 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि वाइट कलर की है, और आपको यहाँ पे एक चार्जर मिल जाता है जिसमें आप दो बैटरी को एक साथ चार्ज कर सकते हो, और एक माइक्रो USB केबल मिल जाता है। अगर इसके चार्जर की बात करें तो इसमें LPE17 के आप दो बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हो, चैनल 1 और चैनल 2 में। और आपको इसमें इनपुट 5W 2.1 एम्पेयर मिलता है और आउटपुट 8.4W मिलता है। और इसमें टाइप सी और माइक्रो दोनों दे रखे हैं, जिससे आप अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हो, मतलब कि आप पावर बैंक से भी इसको चार्ज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो दोनों बैटरी बिल्कुल सेम दिखते हैं, मेरा कैनन का ओरिजिनल वाला बैटरी और ये वाला बैटरी, दोनों का साइज़ सब कुछ सेम है। अब इस बैटरी को अपने कैमरे में लगा के देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रहा मेरा कैनन का ओरिजिनल बैटरी, और ये रहा डिजीटेक का बैटरी जिसको मैंने फुल चार्ज कर लिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया अंदर। तो अब बंद करके ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो ये कैमरा ऑन हो गया। यहाँ पे मैं इस बैटरी को कुछ हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ अपने कैमरे में, तो अब मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा। आप इस बैटरी को ख़रीदने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने ओरिजिनल कैनन के चार्जर से इस बैटरी को चार्ज नहीं कर पाओगे। ये एक चार्जर आपका डिटेक्ट नहीं करता कोई लोकल बैटरी को, सिर्फ कैनन के बैटरी को ही चार्ज कर पाओगे। पर आप डिजीटेक के चार्जर से कैनन के ओरिजिनल बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो सेफली, और डिजीटेक के बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। आप अगर डिजीटेक का ये वाला चार्जर यूज़ करते हो तो अच्छे अडेप्टर से इसको चार्ज करना, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी और सेफ रहेगा आपका बैटरी। इस चार्जर में एक और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें दोनों बैटरी का परसेंटेज दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इस बैटरी में एक बहुत बड़ी कमी है कि आप जब भी इसको अपने कैमरे में यूज़ करोगे तो आपके कैमरे को लगता है कि आप अभी डमी सेल यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ बैटरी इन्फो में जाता हूँ तो यहाँ पर DRE18 लिखा है, मतलब कि कैमरे को लग रहा है कि एक डमी सेल लगा है। यहाँ पे E17 लिख के आता है अगर मैं ओरिजिनल कैमरे का बैटरी यूज़ करता हूँ। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब भी इस बैटरी को यूज़ कर रहे होते हो तो फुल बैटरी दिखाएगा, फिर अचानक से लो बैटरी दिखा के कैमरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे करके बैटरी डाउन नहीं होता है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया, जब भी मैं अपने कैमरे को कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप से और रिमोटली यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आइकन आने लगता है प्लगइन का, मतलब कि कैमरे को लग रहा है कि डमी सेल है। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे इस बैटरी में ये दिखी, जब भी मैं अपने कैमरे को USB केबल की मदद से लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और लैपटॉप से जब भी रिमोटली कंट्रोल करता हूँ, तब मैं जब भी अपने कैमरे के डिस्प्ले की स्क्रीन को टच करूँगा तो ये अच्छे से टच नहीं होता। कभी कभार टच काम करेगा, कभी कभार नहीं करेगा, और जैसे ही मैं USB केबल निकाल देता हूँ तब सब अच्छे से काम करने लगता है। यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग किया, जब मैंने अपने कैनन के ओरिजिनल बैटरी को मल्टीमीटर से टेस्ट किया तो आउटपुट वोल्टेज 8.20 आ रहा था, और जब डिजीटेक के बैटरी को टेस्ट किया तो 8.15 आ रहा था। डिजीटेक का बैटरी कम वोल्टेज दे रहा था, और शॉकिंग बात ये थी कि कैनन के जो बैटरी है उसमें 7.2 वोल्टेज लिखा हुआ है और डिजीटेक के बैटरी में 7.4 वोल्टेज लिखा हुआ है, तब भी कैनन के बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है और डिजीटेक कम वोल्टेज दे रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ इस डिजीटेक बैटरी की, तो इसमें कमियाँ हैं बहुत से, हल्का फुल्का ओवरहीट भी होता है इससे आपका कैमरा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैमरा ख़राब हो जाएगा। और बैटरी बैकअप भी ये थोड़ा सा कम देता है कैनन से, मेरे कैनन 200D में 50-60 मिनट का बैटरी बैकअप दे देता है। अगर आपका बजट टाइट है तो डिजीटेक की बैटरी में जा सकते हो, या फिर आप अफोर्ड कर सकते हो कैनन की बैटरी तो ज़्यादा सही रहेगा कैनन का बैटरी लेना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।